मेरा नाम नितिन नितिन एक्सपेरिमेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको मिनी डीजे बनाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए उसके लिए क्या क्या सामान की हमें जरूरत पड़ने वाली है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो माचिस का बॉक्स ले लिया है मैंने। यहाँ पर कुछ मिनी स्पीकर जो मोबाइल में यूज होते हैं उन्हें ले लिया है। आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर अच्छी तरीके से। चलिए अब ज़्यादा टेंशन ना करके बनाना शुरू करते हैं अपना बॉक्स। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं डीजे के हिसाब से। चलिए दोस्तों इस बॉक्स की जल्दी से मैं कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो अब यहाँ पर हमारे जो स्पीकर हैं ये फिट होंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों जल्दी से मैं इन स्पीकरों को फिट कर लेता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए पहले मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ इन स्पीकरों के, प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में। चलिए दोस्तों जल्दी से हम इनको फिट कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो हमने इसकी कनेक्शन कर लिए कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो प्लस का प्लस में कर लिया है, माइनस का माइनस में कर दिया। आप उल्टा सीधा भी कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इस तरीके से हमने इसके अंदर इन्हें फिट किया है। आप सभी लोग देख सकते हो इसके अंदर हम ग्लू गन की सहायता से इसे जल्दी से चिपका देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो हम अपना ग्लू गन जल्दी से गर्म कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब जल्दी से इसको चिपका लेता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो ग्लू गन हमारा गर्म हो चुका है। कुछ इस तरीके से आपको चिपका लेना है दोस्तों, आपको मजबूती से चिपकाना है जो कि बार बार इधर उधर ना हो ले। आप सभी लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने इस पर ग्लू गन लगा लिया है। पीछे की साइड भी लगा लेना है, अच्छा मजबूती से आपको चिपकाना है दोस्तों। आप चाहे तो फेविक्विक की सहायता से भी चिपका सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना कि इसकी कॉइल में ना जाए, नहीं तो आपका स्पीकर ख़राब हो सकता है। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से लगा लिया है। चलिए अब अगर ये यहाँ पर खुला हुआ है इसको भी पैक करने के लिए दोस्तों, हम इसी के अंदर एक बॉक्स निकलता है जिसमें कि तीली निकलती है, उसी का हम इसको काट लेंगे जल्दी से दोस्तों। आप सभी लोग देख सकते हो हमारा ये लाइट थोड़ा प्रॉब्लम करता है, आप सभी लोगों ने देखा अभी। चलिए दोस्तों हमारा एक तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जो साइड के कॉर्नर हैं हम इनको काट लेंगे जल्दी से और लगा लिया है दोस्तों हमने, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो दोस्तों आप लोग ऐसा कर सकते हो इसलिए हमने करके नहीं दिखाया। आप चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसकी करते हैं टेस्टिंग। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो दोस्तों, और दोस्तों को शेयर भी किया करो जिनको भी नॉलेज मिले दोस्तों। चलिए अब रखते से अब इसको करते हैं ऑन दोस्तों गाना को अपने। यहाँ पर आप सिस्टम देख सकते हो हमारा ये मोबाइल रखा है। चलिए दोस्तों अब हम अपना गाना प्ले करते हैं। यहाँ पर आप सही लोग देख सकते हो कितने बेस्ट तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है दोस्तों। आप सही लोग देख सकते हो यहाँ पर ये दोस्तों मिनी बहुत ही पावरफुल हमारा स्पीकर बन चुका है। आप सही लोग इसकी आवाज़ को सुन सकते हो दोस्तों, आपको हमारी आवाज़ बिल्कुल दुनिया सुनाई दे रही होगी इसके अंदर, कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सही देख सकते हो हमारा बहुत ही अच्छे स्पीकर वर्क कर रहा है दोस्तों। आप इसे अपने घर पर बना सकते हो छोटा डीजे साउंड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो ऐसा तो आप अपनी मिनी कार मोटर में लगा सकते हो दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों ये। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप मिलते हैं।